सत श्री अकाल जी सारे किसान वीरां नूं ते YouTube फार्मर चैनल ते स्वागत है तुहाडा सब दा। सो गल करांगे अज दी इस वीडियो दे विच आपां झोने विच पाणी प्रबंधन बारे कि जदों अपना झोना गोभ ते आ जांदा है तो उस तों लैके दाणा वंड दी समें तक की पाणी दा प्रबंधन होना चाहीदा है। हालांकि अपने किसानां नूं इस संबंधी पूरी तरह बखूबी जानकारी हुंदी है पर इस दे संबंधी कुछ दो चार महत्वपूर्ण गल्लां आपां फिर भी तुहाडे नाल सांझियां करांगे जिन्हां नूं आपां ध्यान विच रखदे होए कुछ हद तक आपां झोने नूं बीमारियां तो बचा सकते हैं ते झाड़ दे विच वी एक तो लैके तीन क्वांटल तक का वाधा हो सकता है। सो वीडियो की शुरुआत तो पहला चैनल यूट्यूब फार्मर नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो तां जो आने वाले समय में इस चैनल पर किसी भी तरह की जानकारी जिवें खेतीबाड़ी किसानी मौसम अते मंडी दे भावां दे बारे क्योंकि आपां आने वाले समय के बासमती किस्मां दी हर तरह की रिपोर्ट तुहाडे नाल सांझी करदे रहांगे फसलां दे भाव की। सो इस तरह की जानकारी लई यूट्यूब फार्मर चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो ते हुण वधदे आं अज दी इस वीडियो वल। गल करदे आं पाणी प्रबंधन की। पाणी प्रबंधन जिवें कि आपां पहलां किसान वीर अपने 30 तों लैके 40 जां 45 दिनां तक झोने दे विच पाणी खड़ा रखदे ने तां गल शुरू हुंदी है। मेन मुद्दा आउंदा है कि गोभ भरन दा समां। गोभ भरन दा समां एक अजिहा महत्वपूर्ण जरूरी समां है क्योंकि जेकर इस समें विच आपां कोई अणगहिली करदे आं तां उहदा आपां नूं जिहड़ा बुरा नतीजा झाड़ दे रूप में कटौती दे रूप में ते बीमारियां दे रूप में देखण नूं मिलेगा क्योंकि जदों गोभ भर जाती है जिवें अगेतियां किस्मां ने झोने दीआं जिन्हां दे विच हुण गल करिए भी गोभ भरन दा समां लगभग जिवें PR 126 हो गया बासमतियां दे विच 1692 जां 1509 घट समें वालियां जो किस्मां ने इह गोभ भरन दी स्थिति विच पहुँच चुकियां ने। निसारा इहनां दा शुरू हो चुक्या है ते आउण लंबे समें दीआं किस्मां वी इह किस्मां ने जो उह वी लगभग आउण वाले कुछ दिनां विच निसारे उत्ते पहुँच जाणगीआं। सो अजिही अवस्था दे विच ध्यान देण दी गल इह है कि पाणी आपां किस ढंग नाल लगाउणा है। पहली गल तो है कि पानी आप बहुत लंबे दिनों के लिए भर के नहीं खड़ा भाव कि अपना झोने के पानी 3 दिन तो ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए कि आप अज पानी लगाया है तो अगले या तीसरे दिन में पानी खत्म होना चाहिए पानी सुकना चाहिए। सो इस हिसाब न आप लगाना है क्योंकि अपना पानी नाल दी नाल जेकर धरती जज्ब हों उस अवस्था के अपने झोने को कोई नुकसान नहीं पहुँचता क्योंकि जेकर ज़्यादा लंबा समा पानी टिकता है झोने के आप बीमारियां जिवें शीत ब्लैट होगी या फिर तेले हो गया तेले की समस्या जी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। हालांकि इन्हां घट समय दी वरायटी नूं तेला नहीं आता पर लंबे समय वाली वरायटियां ने जो उन्हां दे विच तेले की समस्या बहुत आती है क्योंकि जो अगस्त का महीना होंदा है सो इहदे विच मेन तौर पर गरमैश ते हुमस बहुत ज़्यादा होंदी है। सो जिहे दे विच जेकर आपां पानी बहुत लंबा समा टिका के रखते हैं खेत में तो तेले की समस्या आ जाती है। सो पानी लगाउण लई आपां नूं ध्यान रखना चाहिए कि आपां खेत दे विच नमी बनाई रखनी है पर पानी बहुत देर तक नहीं टिकाउणा। नमी का मतलब है कि अपनी धरती हल्की बत्तर चाहीदी है जिवें कि हल्कियां जमीन जिन्हां विच पानी घट दिन रुकता है तो उन्होंने आप 5वें तो 7वें दिन के विचकार पानी लगा सकते हैं। तो जिहड़ियां भारियां जमीना ने जिन्हां विच पानी लंबा समा टिकदा है तो उन्होंने आप 7 तों लैके 10 दिन बाद पानी लगाउणा हुंदा है। ये कुछ 1-2 दिन का जो फर्क है ये आप जमीन के हिसाब न कर सकते हैं क्योंकि भारियां जमीना थोड़ी जी ज़्यादा ठंडिया होंदिया ने सोके दे विच घट आउंदियां ने पर हल्कियां जमीना दे विच सोका थोड़ा जिहा जल्दी आउंदा है। सो सोके तो बचाउणा एक वड्डी जिहड़ी अपनी इस समय की एक जिम्मेवारी बन जाती है क्योंकि जेकर फसल नूं गोभ भरन तों लैके दाणा वंड समय तक जेकर एक भी सोका लग गया तो आप सीधे हिसाब विच कह सकते हैं कि अपनी फसल 2.5 क्वांटल तक आप झाड़ घटा सकते हैं एक सोका लगन दे नाल एक प्रति एकड़ के हिसाब की गल कर रहे हैं। सो 2.5 क्वांटल का हिसाब लगाइए तो लगभग 5000 के करीब प्रति एकड़ अपना नुकसान हो जाता है जेकर फसल में एक सोका लगता है। सो सोके तो बचाना जरूरी है तो पानी बहुत ज़्यादा लंबा समा खड़ा यह भी अपने लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो बाकी एक ध्यान दे विच रखण दे योग यह गल जरूरी है कि जदों आपां झोने दे कोई स्प्रे करनी है कोई फंगीसाइड करनी है जां अपने कई वीर 13045 जां 0524 कोई अजिहियां किस्मां करदे ने अपने स्प्रेहां दे विच तां उस समें ध्यान जरूर रख्या जावे कि पानी नवीं जरूर होनी चाहीदी है। स्प्रे करन तों 2 दिन पहलां खेत नूं पानी जरूर लगाओ क्योंकि जदों खेत दे विच नवीं हुंदी है तां उस दे विच पत्ते मच्चण दी जो समस्या हुंदी है उह नहीं आउंदी है। सो इन्हां 2-4 गल्लां दा ध्यान रख के आपां चंगी चिक फसल प्राप्त कर सकते हैं चंगा उहदा झाड़ भी लै सकते हैं फसल का। सो इन्हां 2-4 गल्लां दा ध्यान रखना जरूरी है बाकी सब तुहानूं जानकारी प्राप्त भी है।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਪਾਣੀ ਨੇ 2-3 ਉਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।